कौन है 37 बॉल में 64 रन बनाने वाले 20 साल के नीतीश रेड्डी जो रातों रात स्टार बन गए। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और हुनर दिखाने का पूरी दुनिया के सामने मौका मिलता है। आईपीएल में खेली गई एक अच्छी पारी आपको रातों रात स्टार बना सकती है। यूं तो आईपीएल से दुनिया भर के क्रिकेट को कई नए सितारे मिले हैं। इस लीग से भारत को रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या जैसे कई स्टार क्रिकेटर मिले और इस साल भी आईपीएल से भारत को मयंक यादव, शशांक सिंह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, यश ठाकुर, यश दयाल, आशुतोष और नीतीश रेड्डी जैसे कई उभरते सितारे मिले हैं। लेकिन इन नामों के बीच एक नाम की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, वो है नीतीश रेड्डी की, जिन्होंने 9 अप्रैल को अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी। सनराइजर्स हैदराबाद से खेलने वाले आंध्र प्रदेश के नीतीश रेड्डी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। ये नीतीश का सिर्फ चौथा मैच था। पंजाब के खिलाफ हैदराबाद ने 39 रन पर 3 विकेट भी गवा दिए थे। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने अकेले मोर्चा संभाला। उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के साथ एक छोटी मगर बेहतरीन पारी खेली। वो टीम की ओर से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 30 प्लस का स्कोर किया। उनकी इस पारी की बदौलत सनराइजर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट गवाकर 182 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गवाकर मात्र 100 रन ही बना पाई। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने के साथ साथ नीतीश तेज गति से बॉलिंग भी करते हैं। उन्होंने 3 ओवर में 33 रन देकर जितेश शर्मा का विकेट भी चटकाया। इस मैच में कई अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन नीतीश का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, जिसके बाद वो चर्चाओं में आ गए। नीतीश का जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। उनका पूरा नाम नीतीश कुमार रेड्डी है। नीतीश को आईपीएल 2023 से पहले ऑक्शन में सनराइजर्स ने 20 लाख रुपए के उनके बेस प्राइस में खरीदा था। पिछले सीजन वो बस 2 मैच ही खेल पाए थे, लेकिन इस सीजन वो शुरू से ही टीम में है और 2 मुकाबले खेल चुके हैं। नीतीश के क्रिकेट का सफर इतना आसान नहीं रहा। नीतीश के करियर के लिए उनके पिता ने भी काफी संघर्ष किया और अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और सिर्फ नीतीश के करियर पर फोकस किया, नीतीश का मार्गदर्शन किया। तो वहीं नीतीश का पोटेंशियल देखते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व कप्तान और भारत के लिए खेल चुके हनुमा विहारी ने ट्वीट भी किया था कि नीतीश भविष्य में सनराइजर्स और भारत के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। नीतीश ने लिस्ट ए करियर में 22 मैच खेलते हुए 403 रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने 14 विकेट भी चटकाए हैं। वो कुल मिलाकर 9 T20 खेल चुके हैं। आज की खबर भी उभरते सितारे नीतीश रेड्डी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कौन है